क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा XUV 300 में 8 ऐसे फीचर आते हैं जो अभी तक किसी और सब 4 SUV में नहीं आते? वेल, इन फीचर्स के बारे में हम XUV 300 के वेरिएंट एक्सप्लेन करते समय आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप अभी XUV 300 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेट्रोल XUV 300 का सबसे सुटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले लेटेस्ट कार न्यूज और रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। XUV 300 के वेरिएंट एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, डायमेंशन और इंजन स्पेसिफिकेशन, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए XUV 300 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। महिंद्रा XUV 300 इन टोटल 2 इंजन ऑप्शंस और 4 वेरिएंट्स में आती है। इनमें से 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल। XUV 300 का स्टार्टिंग प्राइस है ₹8.10 लाख और इसका टॉप डीजल AMT W8 ऑप्शनल आपको ₹12.69 लाख का पड़ेगा। ये सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं और चांसेस हैं कि XUV 300 में BS6 इंजन आने के बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएं। तो जैसा अपने प्राइस वाले टेबल में देखा, XUV 300 में 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। तो एक बार XUV 300 पेट्रोल के स्पेक्स देख लेते हैं। XUV 300 के दोनों इंजन ऑप्शन में से 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल का ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। XUV 300 का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 110 PS की पावर बनाता है और साथ ही इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 200 Nm। XUV 300 के कॉम्पिटिशन में आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट, ह्यूंडई वेन्यू, होंडा WRV और टाटा नेक्सॉन जैसी सब कॉम्पैक्ट SUVs यानी 4 मीटर्स की लेंथ तक की SUVs मिलेंगी। 110 PS इंजन के साथ XUV 300 टाटा नेक्सॉन पेट्रोल का पावर आउटपुट मैच करती है और वेन्यू 1.2 और होंडा WRV पेट्रोल से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल पेट्रोल कार नहीं है। फोर्ड इकोस्पोर्ट और वेन्यू 1.2 दोनों के पेट्रोल इंजन 110 PS से ज्यादा पावर बनाते हैं, लेकिन इस सेगमेंट की SUVs में से XUV 300 ही सबसे ज्यादा टॉर्क ऑफर करती है। अगर आप एक ऑटोमेटिक पेट्रोल सब 4 मीटर SUV की तलाश में हैं, तो XUV 300 में अभी ये पावर ट्रेन आपको नहीं मिलेगा। टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट और ह्यूंडई वेन्यू में पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस सेगमेंट में ब्रेजा भी आती है, लेकिन अभी तक उसमें पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ये तो हो गई इंजन की बात, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं XUV 300 डायमेंशन में अपने कंपटीशन के अगेंस्ट कहां स्टैंड करती है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सभी एसयूवीज लेंथ के मामले में ऑलमोस्ट इक्वल है। XUV 300 इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा चौड़ी है और विड्थ वाइज इसके सबसे क्लोज नेक्सॉन आती है। बात करें अगर हाइट की तो फोर्ड इकोस्पोर्ट हाइट में सबसे ऊंची है, लेकिन XUV 300 से मार्जिन सिर्फ 20 mm का ही है। जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो है XUV 300 का व्हील बेस एट 2600 mm। इसके सबसे क्लोज है होंडा WRV जो XUV से 45 mm छोटी है और XUV 300 नेक्सॉन और वेन्यू के मुकाबले 100 mm ज्यादा व्हील बेस के साथ आती है। यानी XUV के अंदर कंपटीशन के मुकाबले आपको ज्यादा स्पेस मिलनी चाहिए। अब वेरिएंट की डिटेल्स में जाने से पहले देखते हैं कि XUV 300 में आपको कौन से फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। XUV 300 के स्टैंडर्ड फीचर्स या यू कहे बेस W4 वेरिएंट से ही आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें महिंद्रा ने और भी कई सेफ्टी फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे लेन चेंज इंडिकेटर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, डे एंड नाइट IRVM और आइसोफिक्स बच्चों की कार सीट लगाने के लिए और 4 डिस्क ब्रेक्स। सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स उन 8 यूनिक सेगमेंट फीचर्स में से एक फीचर है जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल स्ट्रिप्ड वेरिएंट है क्योंकि इसमें आपको रेडियो तक नहीं मिलेगा। बट ऑन द पॉजिटिव साइड ये वेरिएंट बाहर से दिखने में स्ट्रिप्ड नहीं लगेगा क्योंकि आपको बम्पर्स, डोर हैंडल्स और ORVM तीनों ही बॉडी कलर में मिलेंगे। इनफैक्ट इसमें आपको स्किड प्लेट्स भी मिलेगी, लेकिन वो ब्लैक कलर में होंगी। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो आपको फ्रंट में पावर आउटलेट मिलता है फॉर चार्जिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ऑल 4 पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड अप एंड डाउन, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और 60-40 स्प्लिट रियर सीट। इसके साथ ही इस वेरिएंट से आपको मल्टीपल स्टेयरिंग मोड्स मिलेंगे जिसमें आप स्टेयरिंग की हेवीनेस को ऑल्टर कर पाएंगे। महिंद्रा XUV 300 के MID पे टायर डायरेक्शन भी दिखाता है जिससे आपको पार्किंग से गाड़ी निकालते वक्त ये पता रहे कि पार्क कार के टायर्स किधर को पॉइंट कर रहे हैं। ये दोनों फीचर्स भी इस सेगमेंट में किसी और कार में नहीं आते।
XUV300 के बेस वेरिएंट में कई मस्ट हैव फीचर्स आ जाते हैं, इतने कि हम वेरिएंट को बजट कॉन्शियस बायर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम, व्हील कवर्स और रियर पार्किंग कैमरा नहीं आता, और यही कुछ मिसिंग मस्ट हैव फीचर्स हैं इस वेरिएंट के। बट थैंकफुली ये फीचर्स आप कार लेके भी लगवा सकते हैं। तो XUV300 के बेस वेरिएंट उन बायर्स के लिए सुटेबल है जो लेना तो XUV300 ही चाहते हैं बट बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। ये तो हो गई बेस वेरिएंट की कहानी, अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट यानी W6 पे। W4 वेरिएंट से W6 वेरिएंट का अपग्रेड 85,000 का है, और इस वेरिएंट में की एड ऑन फीचर है इसका 7-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर, ऑक्स इन, USB, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको फॉलो मी होम लाइट्स, कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की और USB चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। स्टाइल वाले फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट से आपको फुल व्हील कवर्स, रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर मिल जाता है। इन फीचर्स से गाड़ी थोड़ी अपग्रेड तो होती है लेकिन इतनी नहीं कि 85,000 स्पेंड किए जाए। तो अगर आप XUV300 को इसके फीचर्स के लिए लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वेरिएंट को स्किप करके इसके नेक्स्ट वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। W6 वेरिएंट से W8 वेरिएंट का अपग्रेड 1,45,000 का है, और ये वेरिएंट काफी फीचर लोडेड भी है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फ्रंट फॉग लैंप्स, रियर पार्किंग कैमरा, रियर डीफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट में इंफोटेनमेंट तो सेम है लेकिन इस वेरिएंट से आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कमांड्स और 4 स्पीकर के साथ साथ ट्विटर्स भी ऐड हो जाते हैं। फंक्शनैलिटी में कीलेस एंट्री विद स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, इसमें माइक्रो हाइब्रिड टेक भी है यानी आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन। W8 में आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM और रियर में आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर्स। इसके अलावा फंक्शनल फीचर्स में जो हाईलाइट करने वाले फीचर्स हैं वो हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यानी ऑटोमेटिक AC जिसमें आप ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का इंडिविजुअल AC टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये भी सेगमेंट फर्स्ट यूनिक फीचर्स हैं XUV300 के। W8 वेरिएंट से गाड़ी की स्टाइलिंग भी इंप्रूव हो जाती है, इसमें अलॉय व्हील्स, LED DRL, सिल्वर स्किड प्लेट्स और टर्न इंडिकेटर और ORVM जैसे फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, और इंटीरियर में स्टेयरिंग पे लेदर और डोर हैंडल्स पे क्रोम आ जाता है। इन फीचर्स के बाद आपको गाड़ी में एज सच कोई कमी नहीं लगेगी और 1.45 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट W6 वेरिएंट से जस्टिफाइड भी है। अगर आप फीचर्स के लिए XUV300 ले रहे हैं और इस वेरिएंट के प्राइस से ज़्यादा नहीं स्पेंड करना चाहते तो आप ये वेरिएंट ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाले वेरिएंट में कोई मस्ट हैव फीचर ऐड नहीं होता है जिसे आप मिस करेंगे। लेकिन अगर आप फीचर के खातिर बजट और स्ट्रेच कर सकते हैं तो महिंद्रा के पास आपके लिए XUV300 का W8 ऑप्शनल वेरिएंट रेडी है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर ऑप्शनल पैक में आपको महिंद्रा क्या ऑफर कर रहा है। W8 वेरिएंट का ऑप्शनल पैक 1,24,000 एक्स्ट्रा देके मिलता है, और इस वेरिएंट में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम फीचर ऐड हुए हैं। आपको इस वेरिएंट में 2 फ्रंट एयरबैग के एडिशन में साइड कर्टन और नी एयरबैग और मिल जाते हैं यानी इन टोटल 7 एयरबैग्स। इस वेरिएंट में ऑटो डिमिंग ORVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हीटेड ORVM और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी मिल जाते हैं, और एक हाई वैल्यू बट फील गुड फीचर है इलेक्ट्रिक सनरूफ जो XUV300 के सिर्फ W8 ऑप्शनल वेरिएंट में ही आता ही है। तो इन सब फीचर को देखते हुए W8 वेरिएंट पे एक्स्ट्रा 1,24,000 का प्राइस जस्टिफाई होता है। इनमें से 7 एयरबैग्स, हीटेड ORVM और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर सेगमेंट एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर आप फीचर कॉन्शियस बायर हैं और XUV300 W8 ऑप्शनल आपके बजट में फिट बैठती है तो आपको यही वाला वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं हमारी वेरिएंट रिलेटेड रिकमेंडेशन। XUV300 के प्राइसेस और हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है W8। वो इसलिए क्योंकि इसमें सभी मस्ट हैव फीचर्स के साथ साथ फील गुड फीचर्स का अच्छा बैलेंस है और प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हमारे ओपिनियन में अगर आप बजट कॉन्शियस बायर हैं तो W4 वेरिएंट भी ले सकते हैं, और अगर कुछ और फील गुड फीचर्स के लिए स्पेंड कर सकते हैं तो W8 ऑप्शनल वेरिएंट भी ले सकते हैं। चलिए अब वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपको इसके कलर ऑप्शंस भी बता देते हैं। XUV300 में टोटल 8 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं, रेड, एक्वामरीन, सिल्वर, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ड्यूल टोन रेड एंड ड्यूल टोन एक्वामरीन। इसमें एक्वामरीन कलर थोड़ा यूनिक है।
और अब फाइनली आपको XUV300 के 8 सेगमेंट फर्स्ट फीचर बता देते हैं। ये हैं स्टेयरिंग मोड्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, 3-point सीट बेल्ट्स फॉर ऑल रियर पैसेंजर, हीटेड ORVMs, ड्यूल जोन AC, फ्रंट पार्किंग सेंसर और नी एयरबैग। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारी ये वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए महिंद्रा XUV300 पेट्रोल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर XUV300 से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो या हमारी वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सजेशन है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जवाब दें। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।